हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको सिखा रही हूँ एलसीएम फाइंड आउट करना 5 और 8 का बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 फैक्टर ले सकते हैं कि नहीं, उसके लिए देखिए 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता। 2 के टेबल में 8 आता है, यस आता है। तो इन दोनों में से एक नंबर भी आ रहा है तो यहाँ पर आप 2 ले लें। 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता, तो इसको ऐसे ही लिख लें 2 के टेबल में 8 आता है, यस 4 सा। अब 5 और 4 है, हम यहाँ पर फिर से 2 ले सकते हैं, यस ले सकते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता लेकिन 4 आता है, तो यहाँ पे फिर से 2 ले लेंगे। 5 को 5 वैसे ही आ जाएगा, 2 के टेबल में 4 आता है, 2 सा। यहाँ पे फिर से 2 है तो हम यहाँ पे फिर से 2 ले लेंगे, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 2 के टेबल में 2 आता है, 1 सा। अब यहाँ पे 5 और 1 है तो हम यहाँ पे 5 ही ले लेंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 4 के टेबल में 2 नहीं आता। 5 एक प्राइम नंबर अपने टेबल में आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 5 ही ले लिया। 5 1 5 और 1 का 1। तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे 5 और 8 का, ये सारे फैक्टर्स को पहले ऐसे लिखें, अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें। 2 2 4 4 2 8 8 5 40। तो 5 और 8 का एलसीएम क्या आ गया, 40 आ गया। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।